हमको बेटा चाहिए था, तो वो बोली हमको 1 लाख रुपया दीजिएगा तो हम आपको वो बेटा देंगे। तो हम उसको 1 लाख रुपया दी, वो हमको बेटा दी। तो ये पता नहीं था चोरी का बच्चा इस तरह का गैर कानूनी है, ये पता नहीं था? नहीं, सब तो उतना पता नहीं था। हम सोचे बच्चा दे रही है, पैसा ले रही है तो दे देते। घर में कोई दबाव हुआ था बेटा के लिए, कोई दबाव था? नहीं, सोचे थे तो बेटा मतलब पोसने के लिए पोसेंगे। क्या थे बेटा बेटी आपके? दो थो लड़की है। दो लड़की, कितना साल हुआ शादी है? मेरा शादी का हो गया 20 साल। तो ये जो बेटा इस तरह खरीद ले रहा, कोई पता था घर में किसी को? और पता था आपके पति को और लोग घर में पता था इस तरह? नहीं, सबको कुछ। पैसा कहाँ से दिया था? मेरे पास था, दे दिया। अब पकड़ा गए हैं, पता चल रहा है गलत किए? हाँ, गलत किए, मैंने अनजाने में गलती। क्या नाम है? मेरा नाम प्रभावती। क्या? प्रभावती। घर कहाँ है? सर, मैं आधार कार्ड का लाइन पे लगा था सर, तो थोड़ा सा लेट हुआ सर। तो इधर ऑफिस लौट के देखा तो बच्चा है ही नहीं था वहाँ। तो मेरे गांव के भी था तो उस सब गोभी गायब था सर, सुहागी खातून और जरीना गायब था तीनों। इसके बाद हम थाना में रिपोर्ट किया सर। कहाँ गया था? यहीं ब्लॉक में। तो वही लोग गायब किया या अंदेशा हो गया था? जी, वो भी गायब था सर। तो क्या बाद में क्या पता चला, कैसे बच्चा फिर मिला? बच्चा कैसे मिला? मेरे घर वाले को किसी को बोला है सर, तो पता चला सर। हमारा साथ दिया एक आंटी। पुलिस खोज के दिया ना? हाँ जी, हाँ, पुलिस वाले खोज के दिया। अब ठीक से ध्यान रखिए। हाँ, ध्यान से रखेंगे सर। क्या नाम है? बेबी। कल दिनांक 16/5/2024 को एक महिला बेबी खातून जो है ब्लॉक में, पढ़ा ब्लॉक में जो है आधार कार्ड बनवाने आई थी। अपने साथ 2 वर्ष के बच्चे को भी साथ लाई थी और आधार कार्ड बनवाने के दौरान वो लाइन में लग गई। उसी दौरान अपने बच्चे को बगल में रख दिया। बच्चे रखने के बाद जो है लाइन में काफ़ी देर उनको हो गया। जब लौट के वो आई तो देखता है कि मेरा बच्चा गायब है, नहीं है। तो काफ़ी अपना खोजबीन किया, खोजबीन के दौरान जो है उसको बच्चा नहीं मिला। तो तुरंत जो है वो कोड़ा थाना को इस संबंध में सूचना दिया कि लगता है मेरे बच्चे कहीं गायब हो गए या कोई चोरी करके मेरे बच्चे को ले गए। साथ में उनके साथ जो एक दो महिला और थी जो उनके गांव के ही थी, तो वो भी गायब पाई गई। पुलिस जो है तुरंत थानाध्यक्ष को इसकी सूचना मिली, थानाध्यक्ष तुरंत एक टीम का गठन किया। गठन करके तुरंत जो है उनके द्वारा बताया गया था कि 2-3 महिलाएं मेरे ही गाँव का है, जिनका नाम जो है सहयोगी खातून, जरीना खातून और मनवरा खातून है। हम लोगों ने, हमारी टीम जो है थानाध्यक्ष के नेतृत्व में, तुरंत वो जो है रस करती है तीनों महिला को जो है वहाँ पर पूछताछ के लिए जब पकड़ती है, बुलाती है, तो महिला को जो है बताया कि जो है हम लोगों ने बच्चे को चोरी करके एक जगह 1 लाख रुपया में बेच दी है। तो उसके द्वारा नाम बताया गया तो पूरा टीम जो है, दूसरी टीम जो है महिलाओं के साथ उस जगह बच्चे रिकवरी के लिए तुरंत रात में तुरंत कार्रवाई करते हुए गए। तो बच्चे को जो है एक महिला जिनका नाम आया है प्रभावती, प्रभावती के घर से जो है बच्चे को बरामद किया गया। बच्चे को सकुशल बरामद करके उनको लाया गया। इस दौरान जो है उन्हें जब पूछताछ की गई जा रही थी तो लोगों ने बताया था कि 1 लाख रुपया में हमने जो है प्रभावती को बेचा है। वो पैसे जो है जरीरा खातून और उन लोगों की टीम के घर से ही बरामद कर ली गई है। सर, ये क्या मानव तस्करी का रैकेट लगता है या क्या? नहीं, यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है आपको, आप जो है ये मानव तस्करी का ही मामला लग रहा है, क्योंकि बच्चे को बिना उनके माता पिता के संज्ञान में या संज्ञान में होने के बावजूद इस तरह से चोरी करके बेचना, ये तो जघन्य अपराध है। सीमांचल में इस तरह के कई बच्चा बताने के क्या कोई रैकेट काम कर रहा है? इस संबंध में भी हम लोग अपने स्तर से, सर के स्तर से, अपने जो टीम है उसके स्तर से पता कर रहे हैं। जब कुछ मिलेगा तो उसके समय निश्चित आपको बताया जाएगा। इन लोगों का कोई क्राइम हिस्ट्री है? और उस पर भी हमारा अनुसंधान चल रहा है, जैसे कुछ बिंदु आता है तो फिर आपको स्पष्ट किया जाएगा। कितने लोगों पर कार्रवाई किया गया? अभी 4 लोगों को जो है डिटेन किया गया है, जिसमें 3 जो है चोरी करके बच्चा बेचने में और 1 जो है जिनके यहाँ से बच्चे को बरामद किया गया, जो उनको खरीदा गया है, जैसा कि आप लोग अभी बातचीत में भी पता चला है। ठीक है, तो उसको डिटेन किया गया है।